हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके यूनिट्स को देख के हम क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं और उन यूनिट्स को यूज करके अगर आपको ऑर्डर प्रिडिक्ट करना हो तो वो भी कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि जो रेट लॉ होता है वो क्या होता है, रेट इज के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस टू पावर सम नंबर, ठीक है। मान लो हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, ए गिव्स प्रोडक्ट्स N1, A gives product, ये हमारी कोई hypothetical reaction हो गई। और question में आपको given है कि order of reaction with respect to A is X, मान लो आपको question में ये given है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि K के units बताओ। मुझे एक बात बताओ, देखो जो rate है उसके units तो हमारे पास fix है, क्या चीज, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये तो fix है। क्या K के भी units fix है? नहीं, K के यूनिट्स डिपेंड करते हैं रिएक्शन टू रिएक्शन कि उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर चेंज होता है तो K के यूनिट्स चेंज हो जाते हैं, ऐसा हमने पिछली वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर भी देखा था, ठीक है। तो कैसे निकलते हैं यूनिट्स वो देखते हैं। देखो, जो रेट है अगर मैं ऑर्डर एक्स ले लूं तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पार एक्स। अब मुझे यूनिट्स निकालने, तो मैं यूनिट्स पुट करता हूँ। रेट के यूनिट्स क्या है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। जो के है उसके यूनिट्स मुझे निकालने हैं और यहां कंसेंट्रेशन है और कंसेंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है, रेस्ट पर एक्स, वेर एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे जो के है वो किसके बराबर आ गया, देखो, मोल अपॉन लीटर अपॉन सेकंड इनटू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लीटर बाय मोल रेस टू पावर एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो यहां पे इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, के इज मोल पर लीटर, इसको मैं अलग कर लेता हूं, अपॉन वन बाय सेकेंड इसको अलग कर लेता हूं, ठीक है। इस मोल्स पर लीटर पर सेकेंड को मैंने अलग अलग कर दिया, इनटू इसको भी मैं रिवर्स कर देता हूं, मोल्स पर लीटर रेस टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो यही बन गया। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये बन जाएगा मोल अपॉन लीटर, यहां वन था वहां माइनस एक्स है, तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, देखो ये वाली जो फ्रेम हुई, ठीक है। अब मान लो आपको कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन या जीरो ऑर्डर, पहले जीरो ऑर्डर कर लेते हैं। मान लो आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो बताओ के यूनिट्स क्या होंगे। बिल्कुल सही, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, एक्स इज ऑर्डर। हमने जब डेरिवेशन ये निकाली तो वहां पे एक्स क्या माना, ऑर्डर। आपको गिवन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, आपको क्या करना है, एक्स जीरो पुट कर दो। अगर आपको एक्स जीरो पुट करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी मोल अपॉन लीटर वन इंटू सेकेंड इनवर्स, तो इसका मतलब मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम कह सकते हैं मोलैरिटी पर सेकेंड, ठीक है। और अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में गिवन है कि ऑर्डर इज वन, तब यूनिट्स बताओ, तो देखो तब के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू वन पुट कर दो। अगर एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं तो ये बन जाएगा मोल अपॉन लीटर रेस टू पावर जीरो सेकेंड इनवर्स, एनीथिंग रेस टू पावर जीरो वन होता है, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से आपको सेकेंड ऑर्डर के लिए या थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो आप किसी भी रिएक्शन के यूनिट्स निकाल सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इफ कंसेंट्रेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन एटमोस्फियर एंड टाइम इन मिनट्स। देखो, अभी अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला वो क्या था, के इज मोल्स अपॉन लीटर रेस्ट पर वन माइनस एक्स
इनटू सेकंड इनवर्स, यही था ठीक है। एक्स क्या था यहाँ पे, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको दे रखा था ऑर्डर, मतलब थ्री दे रखा है यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और आपको कहा है कि जो कंसेंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में रखनी है, मतलब गैस की बात कर रहा है कोई। तो ऐसा करते हैं, कंसेंट्रेशन मतलब मोल्स पर लीटर, उसकी जगह एटमॉस्फेयर रख देते हैं। एटमॉस्फेयर रेस टू पावर 1 - x, और टाइम में आपको लिखना है मिनट्स, तो सेकंड की जगह मिनट इनवर्स कर देते हैं। देखो तो एटमॉस्फेयर, अब थर्ड ऑर्डर बोला है तो एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो, इनटू मिनट इनवर्स। तो ये क्या बन गया, एटमॉस्फेयर रेस टू पावर 2 सेकंड इनवर्स। कोई डाउट, आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन हैज अ यूनिट आर इज इनवर्स, व्हाट इज द ऑर्डर, मतलब टाइम इनवर्स आ रहा है यूनिट, जो यूनिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, टाइम इनवर्स। अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, आप उसके यूनिट्स देख के भी बता सकते हो कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है। कैसे, देखो जो के है उसका फॉर्मूला क्या था, मोल पर लीटर रेस टू पावर 1 - x इंटू सेकेंड इनवर्स। तो एक्स को मैं क्या पुट करूं कि ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, सिर्फ टाइम टाइम बचे, सेकंड वाली टर्म बचे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, वन, तो मतलब ऑर्डर कितना था इसका, वन। देखो अगर मैं ऑर्डर वन रखता हूँ, सिर्फ एक्स की वैल्यू वन रखता हूँ, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, और के यूनिट्स क्या आ रहे हैं, सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे उन्होंने टाइम में सेकेंड की जगह क्या यूज किया है, आर यूज की है, ठीक है। मोल्स वाली तो कोई टर्म ही नहीं आ रही है, तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या था रिएक्शन का, वन था। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द रेट कॉन्स्टेंट हैज यूनिट्स लीटर्स पर मोल पर सेकेंड। तो आपको जो यूनिट्स दे रखे हैं वो है लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो देखो सिंपल सा, इस केस में भी जो के है उसके यूनिट्स हैं हमारे पास मोल्स पर लीटर रेस टू पावर 1 - x सेकेंड इनवर्स। तो देखो मतलब मुझे लीटर को ऊपर चाहिए और मोल नीचे चाहिए, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जब रेस टू पावर 1 आ जाए, ठीक है, ये तभी हो सकता है जब रेस टू पावर 1 आ जाए। अगर रेस टू पावर 1 आएगा तभी मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लीटर अपॉन मोल इंटू सेकेंड इनवर्स, मतलब लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो इसका मतलब अगर 1 - x -1 के बराबर आएगा तभी आंसर आ सकता है। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, गुड आउट। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फॉर द रिएक्शन एक्स प्लस वाई गिव जेड, द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय दिस, फाइंड द यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। तो देखो यहां से अगर हम ऑर्डर निकालें तो 3 + 2 + 1, तो जो एक्स होता है हमारा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 + 1, तो ये बन गई 5/2, ठीक है। जो के था उसकी हमने वैल्यू रखी थी मोल अपॉन लीटर 1 - x सेकेंड इनवर्स, यही रखी थी। एक्स की वैल्यू 5/2 पुट कर दो, तो जब आप इसको पुट करोगे 5/2, तो ये बनेगा -3/2 सेकेंड इनवर्स। तो मतलब मोल -3/2 लीटर 3/2 सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट्स बने, कोई डाउट, ठीक है, आसान है। तो ये छोटा सा शॉर्टकट है हमारे लिए कि हम अगर ये फॉर्मूला याद रख लें तो हम किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकाल सकते हैं, और अगर यूनिट्स गिवन है तो वहां से हम ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट, नोट कर लो इसे, बाकी का काम अगले लेक्चर में।